बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल ऑमलेट जो बहुत यम्मी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है। चलिए हम बगैर देर के इसकी रेसिपी की जानी बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हम दो अंडे लेंगे, एक टमाटर लेंगे, एक प्याज लेंगे, 6 से 7 अदद लहसुन के जब भी लेंगे और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेंगे। ये तमाम चीज़ें हमें दरकार होंगी। अब हम अपना क्रशर लेंगे, इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे, लहसुन शामिल करेंगे और हरी मिर्ची शामिल कर लेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से क्रश कर लेंगे। तमाम चीज़ों को क्रश करने के बाद हम इसके अंदर 1/2 कप बेसन शामिल कर देंगे। बेसन को स्टेप 1 में दोस्तों हम थोड़ा शामिल करेंगे, अगर हमें ज़रूरत पेश आई तो हम इसको दोबारा शामिल कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 अंडे शामिल कर देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। हमने अपने अंडे के पीस को यकजान कर लेना है। अब हम इसके अंदर दोस्तों टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। धनिया पाउडर शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ी सी हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे। और देन हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर खूब सारा धनिया शामिल कर देंगे और देन इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से यकजान कर लेंगे। धनिया आप इसके अंदर कम भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। ऑयल को हम लो मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद हम इसके अंदर अंडे का बैटर शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से फैलाने के बाद हम इसके अंदर कुछ वेजेस शामिल कर देंगे। वेजेस में आपको बता देती हूँ मैंने वेजेस में क्या क्या लिया है। यहाँ पर मैंने कैप्सिकम ली है और कैरेट ली है। वेजेस डालने के बाद हम इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं। देन हम इसको पलट लेंगे। आपने इसको ध्यान से पलटना है। से माशाल्लाह सुभानअल्लाह, यहाँ पर आप देख सकती हैं हमारा अंडा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह अंडे की रेसिपी आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और हमारे चैनल मोडीज़ फूड ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आलम वीडियोस नोटिफिकेशन की सुनना सबसे पहले आपको मिले। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।